आज हम बनाएंगे फ्राइड चिकन ड्रमस्टिक। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ लिया है 4 पीसेस चिकन ड्रमस्टिक। चिकन में हम ऐड करेंगे नमक स्वाद के मुताबिक, फिर इसमें ऐड करेंगे हम दही जो मैंने पहले से बेट करके रखा है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट, नींबू के रस, सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। चिकन मैरिनेट होने के बाद इसको 4 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। फिर एक प्लेट में हम लेंगे मैदा, कॉर्नफ्लोर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ऑरिगेनो, ड्राई पार्सली, नमक स्वाद के मुताबिक, सारे इंग्रेडिएंट्स को मैदे के साथ बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। देखिए बहुत अच्छे से हमने मिला लिया है। देखिए चिकन ड्रमस्टिक 4 घंटे के लिए मैरिनेट हो गया है। अब इसी चिकन को मैदे के साथ बहुत अच्छे से हम कोट कर लेंगे। देखिए एक एक करके मैंने सारा का सारा चिकन ड्रमस्टिक को हम कोट कर लिया है मैदे के साथ। अब चिकन ड्रमस्टिक को एक प्लेट में हम शिफ्ट कर देंगे। कढ़ाई में गरम करेंगे रिफाइंड ऑयल। तेल गरम हो चुका है, अब कढ़ाई में डालेंगे चिकन ड्रमस्टिक। हम इसको डबल कोटिंग करेंगे तो फिर इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें, और गैस की फ्लेम लो में ही रखना पड़ेगा। 1 मिनट के बाद हम चिकन को पलट देंगे और दूसरी साइड 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। देखिए हमारा चिकन फ्राई हो चुका है, इसको हम एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर में आने के लिए छोड़ देंगे। अब चिकन रूम टेम्परेचर में आ गया है और मैंने यहाँ एक बोल में अंडे को बीट कर लिया है। अब चिकन को डबल कोटिंग करेंगे। चिकन को हम अंडे में डिप करेंगे, फिर इसको मैदे की कोटिंग लगाएंगे। ऐसे करके सारा चिकन को हम बहुत अच्छे से कोटिंग कर लेंगे, फिर इसको डबल फ्राई करेंगे। लो फ्लेम में कम से कम चिकन को 5 से 7 मिनट तक पकाना होगा, वरना चिकन अंदर कच्चा रह जाएगा। चिकन को हम थोड़ा सा पलट देंगे ताकि दोनों साइड से बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। हमारा चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, हम इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। देखिए हमारा गर्मा गर्म चिकन ड्रमस्टिक बनके तैयार है। आप इसको व्हाइट सॉस, टमाटो सॉस किसी के साथ भी परोस, बहुत स्वादिष्ट बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा।